प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सीनियर मंत्री अनिल विज की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा से मिलने पहुंचे कांग्रेसी विचारधारा के लोगों ने जब उन्हें कहा कि हम आपके राज में ही सुखी थे, अब तो कोई सुनने वाला ही नहीं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो हुड्डा सीनियर के चेहरे पर रंगत दिखी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा कि ये तो माइनिंग माफिया और शराब माफिया की सरकार है, कोरोना में धड़ाधड़ रजिस्ट्रियां करवाई और अब सरकार रजिस्ट्री घोटाले की जांच कर रही है। इस वास्ते कोई भी, चाहे वो कोई वर्ग भी, जैसे अभी सभी की सुन रहे थे, कोई वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं। मीडिया से बातचीत में हुड्डा सीनियर ने आधार कार्ड और वोटर कार्ड के होते फैमिली आईडी को गैर जरूरी बताया। हरियाणा डोमिसाइल की अवधि को 15 साल से घटाकर 5 साल करने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि इसमें भी बदनीयति नजर आ रही है, इससे हरियाणा के मूल निवासियों का हक छिन जाएगा। जो कटौती हो रही बात और जो मैं कह रहा था कि जो डोमिसाइल 15 से 5 तक की कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो मूलभूत हरियाणवी हैं जिनको 15 साल ज्यादा हो गए, ये उन पर होगा, वो उनका अधिकार हो जाएगा, 5 साल होते ही उनका भी अधिकार हो जाएगा, जितने भी सोशल सिक्योरिटी हमारी। भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में सरकार बनाएगी और यूपी में पार्टी पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताने वाले भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को बजट सत्र में कई मुद्दों पर घेरने की बात कही। 46,000 पोस्ट अकेले टीचर्स की वेकेंट है और जो जिस प्रकार से नौकरी लगी है, डोल की पोल खुल चुकी। एचपीएससी में देखा आपने, पहले सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में देखा। पानीपत के कदावर कांग्रेस नेता वीरेंद्र शाह के होटल में हुड्डा से मिलने आए कांग्रेस वर्कर्स और अपने खास समर्थकों से मिलते हुए हुड्डा सीनियर ने ये छाप छोड़ने की कोशिश की कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चलिए, अब हरियाणा में भी चुनावी महाभारत छिड़ने का वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। कांग्रेस के लिए तो अब अगले चुनाव डू और डाई जैसे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।